कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे नमः
प्रणुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नामसे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरु श्री उतापद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदां भोजो
राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण गौरंगा। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग 9वां अध्याय और 10वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। चलो अनुवाद और तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इसके अंदर, ये श्लोक के अंदर भगवान ने काफी कुछ बताया है अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि पहले भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मतलब भगवान की वैसे अनंत शक्ति है, उसमें तीन मुख्य है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तीन शक्तियों, ये मुख्य शक्ति तीन हिस्सा बताया है। लेकिन भगवान आगे गीता में और भी जगह में बताया है, एकांशेन स्थितो जगत, मेरी अनेक शक्तियों में से एक शक्ति का मात्र से एक चौथा हिस्सा में से एक है भौतिक शक्ति और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये श्लोक, ये वाक्य जो है बहुत कुछ कह जाता है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर और अचर, हाँ, चलने वाला भी और नहीं चलने वाला भी प्राणी उत्पन्न होता है। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये प्रकृति के शासन में ये भौतिक प्रकृति का जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इसके अंदर भगवान ने बहुत कुछ बताया है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि
हमें कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए सहायता मिलेगी। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई बड़ा अनेक बिजनेसमैन का मालिक होता है, उसकी कई इंडस्ट्री होती है, लेकिन वो सभी इंडस्ट्री से पृथक रहते हैं, लेकिन फिर भी सबके निर्देशक भी हैं, सभी पॉलिसी उनके द्वारा बनाई जाती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं भौतिक जगत में यूके का। यूके में क्या होता है कि राजाशाही हो, जो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो रानी अपना अपना दर्जा बनाए रखा है, लेकिन उनके उनके निर्देश में उनके अंतर्गत इलेक्शन भी होता है और इलेक्शन प्रेसिडेंट बनते हैं और वो कार्य करता है, पूरा कंट्री को चलाता है, लेकिन फिर भी वहाँ की राज रानी की अपनी पोजीशन बनी रहती है। ये भौतिक जगत का एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भगवान बताते हैं कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम इस भौतिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है, ये भौतिक जगत से परे है, भगवान पृथक है, अलग है, लेकिन फिर भी भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति के नियम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और प्रकृति के नियम, प्रकृति जो है कार्य करती है। आगे एक श्लोक हम देख चुके हैं प्रकृति के बारे में कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सारे कार्य प्रकृति जन्य है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा होता है। अहंकार विमूढात्मा, जो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख आत्मा, जो विमूढात्मा जो मूर्ख है, कर्ता हम इति मन्यते, वो सोचता है ये मैं कर रहा हूं। तो जब हम कोई भी कार्य इस जगत में करते हैं, तो अगर गीता को ठीक से समझे हैं, अगर भागवत को हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसकी सम्मति, उसकी अनुमोदन भगवान करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, वो परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं, और उपद्रष्टा वो देख रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और अनुमंता च वो हमें परमिशन देते हैं, हमें सैंक्शन करते हैं हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए सैंक्शन करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पर आधिपत्य नहीं जमाते। बहुत समझने वाली बात है। हम बार बार प्रभुपाद जी के परपोट पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सभी कोई भी वक्ता एक ही तरह श्लोक को पढ़ते हैं, एक ही तात्पर्य को पढ़ते हैं, और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपलक्ष में समझाए जाने वाले सिद्धांतों के अनुसार आचार्यों की परंपरा हमें तात्पर्य के द्वारा समझाती है, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो हमारा जो बाह्य दर्शन है, तो हम कई बार कई भक्तों वक्ता के द्वारा ये श्लोक सुनेंगे, ये तात्पर्य पढ़ेंगे, यही बात हमें दोहराई जाएगी, लेकिन इसके अंदर हमें जाना है, इसके अंदर हमारी गुह्य दृष्टि जानी चाहिए, और वो गुह्य दृष्टि यही श्लोक, यही तात्पर्य हजार लोग पढ़ सकते हैं, एकेडमिक लोग भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन इसके अंदर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या भगवान कहना चाहते हैं, बहुत कुछ सारा है इसके अंदर। मैया अध्यक्षण प्रकृति, जब भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, इसका मतलब है कि हमारी वर्तमान स्थिति जो है वो वर्तमान स्थिति प्रकृति के द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर वर्तमान स्थिति, जब हम क्लास में क्लास सुनने बैठते हैं तो हरेक व्यक्ति क्लास में बैठा है, लेकिन हरेक व्यक्ति की वर्तमान स्थिति अलग चल रही है। कैसे? कोई मनोदशा सबकी अलग अलग चलती है, कोई मन में सोचता है, कोई क्लास में एकदम अटेंटिवली सुन रहा है, कोई क्लास को निग्लेक्ट कर रहा है, कोई क्लास सुनते सुनते कोई फोन आ गया तो फोन उठा लेता है, कोई क्लास सुनते सुनते बाहर चला जाता है, कोई क्लास सुनते सुनते घड़ी देखता है कि ये कब पूरा हो जाए, और कोई क्लास में इतनी दिलचस्पी रखता है कि प्रभु जी या भगवान या तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो हरेक की मनोदशा अलग अलग है, और ये मनोदशा जो है हमारी आंतरिक शुद्धि के अनुसार परमात्मा हमें ग्राह्य करने की शक्ति देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति की सैंक्शन करते हैं, परमिशन देते हैं, लेकिन इच्छाओं पर आधिपत्य नहीं जमाते, इच्छाओं का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इच्छा, भगवान हमें जड़ पदार्थ नहीं बनाया, इसलिए इच्छा शक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। भगवान हमारी इच्छाओं से और वर्तमान परिस्थिति से पृथक रहते हैं। दूसरे शब्द में देखे तो इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे हम समम्बनम टोटल देख रहे हैं या इंडिविजुअल माइंड की परिस्थिति देख रहे हैं, हर परिस्थिति में भगवान हमसे पृथक रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। किंतु इससे परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है, परम इच्छामय है, और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, डेट इज ओरिजिनल बेस है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। इसकी सभी व्यवस्था भगवान की एक प्रकृति, एकांशिन अस्तित्व जगत, भगवान की एक अनेक प्रकृतियों में से अनेक शक्तियों में से एक शक्ति प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं इंडिविजुअल साधना पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टोटल समम्बनम भी है कि ये भगवान भौतिक जगत कैसे चला रहा है, इसके ऊपर भी इसका टॉर्च लाइट है। इसके साथ साथ ये शरीर रूपी भौतिक जगत के अंदर भी भगवान कैसे चला रहे हैं हम सबको, ये भी इसके ऊपर स्थापित होता है। तो हम फिर से चैतन्य महाप्रभु के वो बात पे आते हैं। एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज के द्वारा जब वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष के तीन हिस्से होते हैं। वृक्ष के कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से। क्या क्या? एक उसका मूल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, दूसरा उसका ट्रंक होता है जिसके आधार है, जिसके ऊपर वृक्ष खड़ा है जो हमें दिखाई देता है, और तीसरा उसका क्राउन है, उसका ऊपर का मुकुट है जो हरी पत्तियां डालियां और उसके फल फ्रूट। तो वृक्ष के तीन हिस्से हैं, एक मूल है, एक ट्रंक है और एक क्राउन है। मूल है वो दिखाई नहीं देता, तो मूल जो है वो हमारी वो हमारी भक्ति कहलाती है, हमारी आंतरिक भक्ति की शक्ति जिसके ऊपर हमारी भक्ति लता बीज का वृक्ष खड़ा है। अगर वो भक्ति
स्ट्रांग नहीं है तो थंडर आएगा, वावाझोड़ा आएगा, तूफान आएगा, तो वृक्ष गिर जा सकता है। तो वृक्ष को मजबूत बनाने के लिए वृक्ष के मूल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए। ये हमारी भक्ति की, भक्ति लता बीज का वृक्ष की बात कर रहा हूं, उसको मैं फिर से यहां ले आऊंगा इस श्लोक के साथ। तो मूल हमारी बहुत, हमारी जो आंतरिक भक्ति है बहुत दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए। फिर हमारी जो डेली साधना दिखती है वो वृक्ष का ट्रंक है जो दिख रहा है कि मैं ये साधना, हमारी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ट्रंक मजबूत होगा, हमारी साधना कितनी पुरानी होगी उतना ट्रंक मजबूत होता जाएगा। और उसके बाद जो क्राउन है वो क्राउन फल देने वाला है। फल देने का मतलब क्या है? तब हम वो भक्ति लता बीज दूसरों को बांटेंगे, भक्ति लता बीज दूसरों को बांटेंगे, फल फूल आएगा, तब हम दूसरों को देने के लिए लायक बन जाएंगे। लेकिन लायक का पीछे मूल में क्या है? भक्ति लता बीज। वो भक्ति लता बीज हमारी इंडिविजुअल साधना की ये बात हो गई है। यहां पे भगवान जो कह रहे हैं वो भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। भौतिक जगत का जो मूल है, जो हमें नहीं दिखाई देता, वो भगवान स्वयं है। जो दिखाई देता है वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा दिखाई देता है। और इसके अंदर भगवान की अध्यक्षता में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आज का श्लोक इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, हमारा पास्ट टाइम, हमारा जो भूतकाल है उसके ऊपर हम अपना समय न बिगाड़े, हमारा भविष्य काल है उसकी हम चिंता छोड़ दें, और हमारी वर्तमान स्थिति पे है उसमें हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। उसके अंदर हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करनी चाहिए। सुख मिलने पर हम चकित ना हो जाए और दुख मिलने पर हम टूट ना जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनी नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। उसको सहन करना सीखे। इससे क्या होगा? इससे हम, हमारा जो समय हमें दिया है मनुष्य जीवन में, इसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। हम भगवान की इच्छा के द्वारा, वर्तमान स्थिति प्रकृति के द्वारा भेजी गई है, चाहे हमें पसंद है चाहे हमें पसंद नहीं है, चाहे हमें सुख लगता है चाहे हमें दुख लगता हो, चाहे हमें ठंडी लगती हो चाहे हमें गर्मी लगती हो, चाहे ग्राह्य लगता है या ग्राह्य नहीं लगता, लेकिन हर परिस्थिति हमें स्वीकार नहीं चाहिए। ये कौन स्वीकार सकता है? स्थित प्रज्ञ। ये कौन स्वीकार सकता है? तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। हर परिस्थिति में हमें स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करना है। हमें कोशिश करना है कि हम विचलित न हो जाइए बाह्य दर्शन से, बाह्य परिस्थितियों से। ये प्रकृति के द्वारा सब काम मैकेनिकल की तरह, मशीन की तरह हो रहा है। जैसे घड़ी एक मशीन है तो सुबह का 12 भी, दोपहर का 12 भी बजाती है और रात का 12 भी बजा देती है। लेकिन क्या घड़ी बजाती है रात का 12 और दोपहर का 12? घड़ी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको हमने क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग करके एक मशीन की तरह बनाया है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, सूर्य निकलता है, चंद्र निकलता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये शरीर भी एक यंत्र है और यंत्र के अंदर हमारे कर्म के अनुसार प्रोग्राम फिट कर दिए गए हैं और प्रोग्राम के अनुसार हमारे अंदर
सुख दुख होता है, हमारे अंदर पाप पुण्य के विचार आते हैं, और पाप पुण्य के विचार के अंदर हमें विचलित नहीं होना है, हमें क्या करना है, वासुदेवे भगवती, हमें शुद्ध भक्ति में स्थिर रहना है। अगर शुद्ध भक्ति में हम स्थिर रहेंगे तो हम भगवान की अध्यक्षता को स्वीकार किया है ये समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, दूसरे शब्दों में, जब हम विचलित हो जाते हैं इसका मतलब है भगवान के द्वारा हमारा कर्म फल का जो जवाब प्रकृति के द्वारा मिला है वो हम ग्राह्य नहीं है, इसलिए दुख उत्पन्न होता है। तो दुख का मतलब है भगवान के द्वारा दी हुई परिस्थिति का हमने विद्रोह कर दिया है, हमने विद्रोह कर दिया है। जो भगवान के भक्त हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, वो प्रसन्न चित रहता है। तो भगवान हमें बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है, इसलिए जो भी हमें बाह्य दर्शन से हमें अच्छा लगे या बुरा लगे ये प्रकृति का परिणाम है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति को भी दोष देना नहीं है, कोई जीव के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं करनी है, कोई जीव के प्रति हमें द्वेष उत्पन्न नहीं करना है, ये सिखाता है। इसका गुह्य उपदेश इस दिशा में ले जाता है कि यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य चल करती है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। परमेश्वर परम इच्छामय है, परमेश्वर परम इच्छामय है, और हम उसके अंश होने के नाते हमारे अंदर की इच्छाओं की स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है। लेकिन हम गलत इच्छाएं करेंगे तो गलत कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म बंधन होगा, गलत कर्म बंधन होगा तो हमारी इच्छाएं दूषित होती चली जाएगी और हम पापमय जगत में, अंधकारमय जगत में चले जाएंगे। हमें आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए हम लायक नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, आधार भूमि स्वरूप पर भगवान श्री कृष्ण है, वो इस जगत के आधार भूमि है। आधार भूमि मतलब ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी जो है ये शेष नाग पर खड़ी है, तो ये एक विश्व रूप का एक स्वरूप है, लेकिन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक जगत एकांश न स्थित हो जगत। भगवान कहते मेरी एक अंश मात्र से ये सारा जगत चल रहा है। तो सोचिए कि भगवान की शक्ति कितनी है। इसको हम भौतिक एग्जाम्पल करें तो एक रतन टाटा ले लो, वो इंडस्ट्रियल के मालिक है, तो उसके कई इंडस्ट्री होते हैं, तो कई इंडस्ट्री में कई कार्य मैनेजर और चेयरमैन होते हर एक इंडस्ट्री के, लेकिन सभी इंडस्ट्री का जो मालिक है, निर्देशक है, वो रतन टाटा है। ठीक वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक निर्देशक है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जब भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, जब भगवान श्री कृष्ण उपद्रष्टा अनुमंता है, तो और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ताम तितिक्षस्व भारत, उसको तुम सहन करना सीखो, ये सब भगवान का उपदेश है। तो हमारे अंदर ये गुस्सा कहाँ से आता है, ये स्वीकार्य अस्वीकार्य की इच्छाएं कहाँ से आती है। हमारे अंदर जो भी स्वीकार्य होना चाहिए, इसलिए हमारे आचार्य गण समझाते हैं कि हमारी इच्छा साधु गुरु और शास्त्र पर समर्पित होनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी है, जो निर्देशक की ओर ले जाती है, जो भगवान की ओर ले जाती है, जो हमारे मूल की ओर ले जाती है, जो हमारे आधार स्तंभ है भगवान, उसकी ओर ले जाती है, जो क्या ले जाती है, साधु गुरु और शास्त्र की बारे में इच्छाएं। अगर इसके विपरीत इच्छाएं हैं, खुद आनंद करने की इच्छाएं हैं, तो हमारा मूल को हम पानी नहीं दे रहे हैं,
तो हम फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें प्रकृति चलाए रखती है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। सभी व्यवस्था हरेक के मन में अलग अलग विचार आते हैं। ये विचार अलग अलग क्यों आते हैं? एक ही क्लास में 10 लोग या 50 लोग क्लास सुन रहे हैं, लेकिन हरेक मन, हरेक व्यक्ति उसको ग्राह्य अलग अलग मात्रा में कर पाता है। हरेक व्यक्ति उसके मन की दशा अलग अलग होती है। ये भगवान की प्रकृति की हमारी कर्मों की गुणवत्ता के आधार पर, हमारी आंतरिक शुद्धि की गुणवत्ता के आधार पर हम समझ सकते हैं। इसको जैसे समझे कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो 40 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन 40 स्टूडेंट में एक ही लड़का है जो पहला नंबर आता है, बाकी 39 नहीं आते हैं। तो वो पहला नंबर आता है उसने भगवान की निर्देशक को अच्छी तरह ग्राह्य पकड़ लिया है, उसने सही तरह दिशा पकड़ रखी है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन, मनुष्य जीवन में हम जब साधु गुरु शास्त्र पर समर्पित होते हैं तो हम मूल पर जो आधार शक्ति है उसके उसके आधार पर हम पकड़े हुए हैं। और जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों चरण कमल जिसने कस कर पकड़ के रखा है उसका कभी ही पतन नहीं होता। जिसने साधु गुरु और शास्त्रों को पकड़ कर रखा है उसका कभी पतन नहीं होता है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। मैं विभिन्न योनियों अहम बीज प्रदप पिता, भगवान कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करके करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। चितवन मात्र से, अपनी चित्त शक्ति से भगवान प्रकृति के गर्भ में सभी जीवों को प्रविष्ट करवाते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अब अंतिम इच्छाओं के अनुसार विभिन्न योनियों और रूपों में प्रकट होते हैं। तो हमारे साथ 84 लाख योनियां हैं, ये सब हमारी इच्छा शक्ति पर उत्पन्न हुई है। अगर हम, हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध है, हमारी इच्छा शक्ति भगवान की ओर है, तो हमारा कार्य सही दिशा में चलेगा। इसके अंदर में एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो हमारे श्रीपाद इंद्र प्रभु ने हमें सिखाया है। श्रीपाद इंद्र प्रभु वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम चांटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब महामंत्र का चांटिंग का जप कर रहे हैं तो हम सब का एक प्रॉब्लम है कि हमारा मन कहीं और भटकता है, मन कहीं और भटकता है। तो ऐसे मन को कैसे भगवान में लगाए? ऐसे मन को, तो आइडियल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। जो हमारा सुषुप्त मन है वो आइडियल हो गया, हमने महामंत्र शरीर से चालू किया और हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, लेकिन माइंड आइडियल हो गया है तो वो कहीं और नास्टी थिंग्स सोचने लगता है, कई काम की बातें सोचने लगता है, कई अटपटा बात सोचने लगता है, क्योंकि माइंड फ्री हो गया और हमारा शरीर, हमारा इंद्रियों के द्वारा, हमारा मुख के द्वारा हम चैंटिंग करते हैं और सुनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन माइंड कहीं और भटक रहा है, क्योंकि माइंड माइंड को पहले हरि नाम में रस नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो भटक रहा है। तो वो माइंड को कैसे हम महामंत्र में ले आए? तो इंद्र प्रभु कहते हैं कि जैसे गुरु के आदेश पे हम महामंत्र का जप करते हैं तो करते रहे, महामंत्र के जप के अंदर पूरी शक्ति है, लेकिन वो जो सुषुप्त माइंड है उसको एक काम दे दे। क्या काम दे दे? उसको बोले गौरा 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 बोलते रहो। तुम क्या बोलते रहो? गौरा 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 गौरा
गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का नाम दे दो उसको, गौरा गौरा बोलते रहो, क्या कि चैतन्य महाप्रभु हमें मदद करेंगे शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, ये महामंत्र के अंदर हमारा माइंड को बनाए रखें। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे हमारी लायकात है या नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने वाले हैं। तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, तो ऐसे सुषुप्त मन को बोले कि जब गौरा गौरा बोलेंगे तो वो विचारशील नहीं रहेगा, वो भौतिक विचारों में नहीं जाएगा कम से कम, और हरे कृष्ण महामंत्र और पीछे पीछे का माइंड गौरा गौरा बोलेगा। तो ये एक अवस्था है। एक एक एग्जाम्पल श्रीपाद इंद्र प्रभु ने कहा, इससे क्या होगा कि हमारा सुषुप्त मन जो भटक रहा है उसको भी हमने कृष्ण का पोर्टफोलियो दे दिया गौरा गौरा बोलने का। ये हम मैं इस क्लास में ये बात मैं बीच में क्यों लाया, क्योंकि इस बात में हमारी चितवन शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति जो है हरि नाम में या साधु गुरु शास्त्र में भगवान के उपदेशों में जुड़ी रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तब हम कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं और मन भटकता है तो हम भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप रंग में के बारे में हम विचार कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में, दशम स्कंध की लीलाओं के बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो नाम रूप गुण लीला भगवान के दर्शन करते हुए भगवान का जप कर सकते हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीच में, ये सब्जेक्ट के बीच में मैं इसीलिए लाया कि इच्छा शक्ति हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी इच्छा शक्ति सही नहीं है तो हमारा पतन हो जाता है। एक दिन आज थोड़ा सा आया, कल थोड़ा सा और आएगा, परसों थोड़ा सा और आएगा, और धीरे 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 वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी हम वो कर्म करने बैठेंगे और भौतिक जगत में हमारा पतन होगा। प्रकृति हमें फल दे देगी। प्रकृति बोलती है कि आपने और कुछ कृष्ण के अलावा और कुछ मांगा है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें और महामंत्र से सिर्फ कृष्ण को मांगना है, प्रकृति को मौका नहीं देना है। प्रकृति हमारा, हाँ प्रकृति बहुत सरलता से न्यूट्रल का कार्य करती है, और वो कार्य करती है कि ये कृष्ण कृष्ण ही बोलता है, मेरी बात नहीं सुनता, भौतिक जगत में जकड़े रहना नहीं चाहता, वो कृष्ण कृष्ण ही बोलता है, तो भगवान वो जीव को भगवान की चरणों में भेज देगी, वो प्रकृति हमें भगवान के पास भेज देगी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानी विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो वो हमारी इच्छा शक्ति, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वो अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, जे गाम जऊ नहीं ए गाम नो नाम सुलेव, जहां हमें जाना नहीं है उस चीज के बारे में हमें क्या सोचना, हमें कुत्ता को क्यों पालना है, हम कुत्ता योनि में जाना नहीं चाहते, हमें तो भगवान के भक्तों का संग क्यों करना है, हमें भगवत धाम जाना है जहां सभी भक्तगण जाके हमें वापस मिलने वाले हैं। इस जगत में जो भी भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, ये यहां भी हमारा साथी है और वहां भगवान धाम में भी हमारा साथी बनेगा। इसलिए साधु गुरु शास्त्र का संग बहुत आवश्यक है कि हमारा अंतिम, हमें हमें कोई ऐसी जगह में भेज दो कि जहां हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऐसी जगह में अगर हमें भेज दिया तो हमारा क्या होगा, हम इच्छा शक्ति से हम पतन कर देंगे शायद। ये ज्ञानी का हल है, आरुज्य पृच्छे न परम पदम तथा पतंती यथा। लेकिन भक्त का हाल क्या है, वो भक्तों के संग में रहता है, वो भगवान की ये उपदेश है मैया अध्यक्ष न प्रकृति उसका फायदा लेता है। ये इंफॉर्मेशन भगवान ने दिया है भक्तों के लिए, उसका फायदा लेकर आगे चलता है, वो अपराध नहीं करता प्रकृति का, वो अहम नहीं जताता। अगर हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है ये प्रकृति की देन है, क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते,
अब वो मूर्ख है कि जो ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूं। भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वतंत्रता पे आधिपत्य नहीं जमाया भगवान ने। भगवान हमारी इच्छाओं की अनुमंता दे सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं पर आधिपत्य नहीं जमाते। भगवान हमारी इच्छाओं पे बीच में नहीं आते। भगवान ने एक छूट दे दी है, वो एक छूट के कारण हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हैं। वो छूट हम भगवान को समर्पित कर दे। और जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा जो फ्री विल है हम गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, और गुरु हमें उठाकर शास्त्रों के चरणों में समर्पित करते हैं। और शास्त्रों भगवान का दूसरा स्वरूप है। श्रुति स्मृति पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते एव कल्पते। श्रुति यानी शास्त्र, शास्त्र श्रुति का मतलब है वो भगवान का स्वरूप है, वो लिपि स्वरूप है लेकिन भगवान का स्वरूप है। भगवान और भगवान के वचन अभिन्न है, भगवत गीता और भगवान अभिन्न है। तो भगवान का जो ये वचन है ये स्वयं भगवान है। तो गुरु हमें तात्पर्य के जरिए भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, और समर्पित करने का मतलब है कि हमें उनके आदेशों के, उनके बताए गए दिशा के अनुसार अपनी इच्छाओं उस दिशा में ले जाना है। हमारी इच्छाओं को दिशा प्रदान करने वाले ये भगवत गीता है, हमारी इच्छाओं को दिशा देने वाला ये श्रीमद् भागवत है। तो ये बुद्धिमान मनुष्य का स्वरूप है, ये गीता हमें सिखाती है। आगे भगवान कहते हैं, अतः प्रभुपाद जी समझाते कि अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है और प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। ये मूर्ख लोगों को समझना है कि भगवान की 16108 पटराणी थी, या भगवान को कई गोपियों के साथ रास लीला करते थे, भगवान कई गोपियों को मिलते हैं, ऐसे दूषित मन वाले, भौतिक मन वाले, विचार वाले लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान अपनी दृष्टि से ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांड की भौतिक सृष्टि उत्पन्न कर सकते और विनष्ट कर सकते अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। तो वो एक एक भौतिक प्रकृति से दिखाई देने वाली स्त्री स्वरूपा गोपी के पीछे क्यों भागे गए? वो तो कल्मश स्वरूप जो बाह्य दर्शन से स्त्री पुरुष को देखते हैं वो भगवान को क्या समझेंगे? वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। वहां प्रकृति और पुरुष कार्य करते हैं, पुरुष की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, क्योंकि वो प्रकृति क्या चाहती है? पुरुष भगवान को प्रसन्न करे। वहां स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध के बारे में विचार वो दूषित विचार है। अगर भगवान अपनी एक इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड सृजित कर सकते हैं तो भगवान को स्त्री पुरुष के संबंध के पीछे जाने की आवश्यकता क्या है? ये बुद्धि भौतिक जगत के लोगों को नहीं होती है। दृष्टि इसमें शास्त्र में बताया कि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति क्रियाशील होती है। हमारी दृष्टि से कभी कभी बच्चा तूफान करता है, बच्चा शैतानी करता है और पिता की नजर पड़ गई, बच्चा रुक जाता है। हमारे अंदर आंशिक शक्ति है और हमारे पिता की शक्ति से बच्चा तूफान जो शैतानी करना रोक छोड़ देता है, तुरंत रुक जाता है। ठीक वैसे भगवान की आध्यात्मिक शक्ति इतनी क्रियाशील है कि उनके दृष्टिपात किया और ये भौतिक तत्व उत्पन्न हो, भौतिक तत्व जो है वो कार्य करने लगा। तो प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य जो समझाया इसके अंदर बहुत गूढ़ार्थ है, खाली पढ़ने के लिए तात्पर्य नहीं है, एक एक वाक्य के ऊपर हमें चिंतन करना है। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है तात्पर्य में, हमें हमारे जैसे मंद बुद्धि वाले को समझाने के लिए। दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है,
किंतु भौतिक जगत के प्रागट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता, उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। उन्हें बाद में बेटा तूफान करेगा तो उसको दंड मिलेगा, बेटा मान जाएगा तो पिता का प्रेम पाएगा, पिता की आंखों की दृष्टि से बच्चा शैतानी करता रुक गया, अगर रुक गया और सही दिशा में पकड़ ली तो पिता का प्रेम पाएगा, और सही दिशा नहीं पाई और शैतानी करता रहा तो पिता का दंड भोगेगा। लेकिन उसमें पिता को क्या करना है, वो बच्चे को करना है कि वो सही अपनाया नहीं नहीं अपनाया, वो बच्चे की अपनी इच्छा शक्ति पर आधारित है। तो भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधि एक दूसरे से विलग रहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया स्मृति शास्त्र से कि फूल नहीं है तो सुगंध नहीं मिलेगी, फूल है तो सुगंध है, लेकिन फिर भी सुगंध और फूल जो है अलग अलग विलग रहते हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा, लेकिन सूर्य से प्रकाश जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रकाश फिर भी सूर्य से अलग है, हमारे तक पहुंच जाता है प्रकाश, सूर्य सूर्य लोक में है, सूर्य सूर्य लोक में है लेकिन प्रकाश हम तक पहुंच जाता है, सूर्य से विलग होकर प्रकाश हम तक पहुंच जाता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति होने से वो प्रकाश हम तक पहुंचा है, फूल की उपस्थिति होने से फूल की सुगंध हम महसूस कर पाते हैं। वैसे भगवान की निर्देशक, भगवान की उपस्थिति में ये प्रकृति कार्य करती दिखाई देती है। जो पदार्थ की अनुभूति से, पदार्थ की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति है, आज का साइंटिस्ट है, वो इस चीज को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि इसके पीछे कोई कोई कार्य करने वाली शक्ति है, वो शक्ति को पदार्थ के रूप में ढूंढना चाहता है, वो पदार्थ के रूप में ढूंढना चाहता है। जैसे सूर्य के गोले को देख पाता है लेकिन सूर्य के गोले के पीछे सूर्य देवता है उसको वो नहीं देख पाता, उसको कौन देख पाता है? भगवान के भक्त देख पाते हैं कि भगवान सूर्य देवता की इच्छा के बिना, सूर्य देवता की बिना सूर्य का गोला का उपस्थिति नहीं हो सकता, और सूर्य गोला की उपस्थिति के बिना हमारे घर में सूर्य प्रकाश नहीं आ सकता। तो ये जो चेन है, सूर्य की शक्ति, सूर्य का गोला और सूर्य देवता, ये शक्ति, ये रास्ता भक्तों का रास्ता है। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के समय फूल होता है तो उसकी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधि एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच में है। तो हमें भौतिक जगत का उपयोग करना है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के भी भगवान के द्वारा दी गई चीजें याद रखना है। जैसे एक टीवी खरीदते हैं, एक टीवी खरीदते हैं तो टीवी से हम कौन से भी चैनल देख सकते हैं, कोई भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन वो टीवी को मरम्मत कैसे, तंदुरुस्त रखा जाए, कैसे वो टीवी को कार्यान्वित रखा जाए, इसके लिए टीवी के साथ टीवी का मैनुअल आया था, वो मैनुअल के अनुसार टीवी को रखेंगे तो टीवी ठीक चलता है। तो वो मैनुअल है मनुष्य को भेजा, तो मनुष्य के साथ जो मैनुअल आया वो है भगवद गीता, और वो मैनुअल के अनुसार हम अपने शरीर रूपी यंत्र का टीवी जो है रखेंगे, उसकी दिशा उसकी दृष्टि रखेंगे तो ये यंत्र ठीक चलेगा, सही दिशा में जाएगा। लेकिन जो मनोधर्म में है वो टीवी का उपयोग करके अनेक चैनलों में देखता जाएगा और चैनलों में अपनी दिशा को भ्रमित कर देगा, वो सिनेमा की ओर चला जाएगा, वो गायनों की ओर चला जाएगा और कई बार सृष्टि की ओर चला जाएगा, उनको रूट का पता नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने मनोधर्म अपना लिया, टीवी का मनोधर्म रूपी उपयोग कर रहा है। तो इसके लिए हमें सजाग रहना है कि हमें हर चीज का
एक्सट्रीम उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके प्रति इक्विलिब्रियम हमारी मनोभावना होनी चाहिए कि भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा भेजा गया है, ये हमारे सामने कोई किसी ने हमें इंसल्ट किया है तो ये हमारे सामने इम्तिहान है, ये हमें हमारे सामने रिएक्शन करने की बात नहीं है। रिएक्शन करेंगे तो फिर से कर्म उत्पन्न हो जाएगा, फिर से हम वो कर्म पूरा करने के लिए हमें आना पड़ेगा। हमें रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, उसके तत्व को समझना है और उसके प्रति हमें उसको प्रणाम करना है। अगर कोई व्यक्ति हमें हमारा बुरा भला करता है, हमारे अंदर कोई त्रुटि निकालता है तो हमें उनको प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारना चाहिए। अगर नहीं स्वीकारते तो वो हमारा मिथ्या अहंकार है। तो ये हमें सिखाते हैं कि जो हम हमारे अंदर तृणादपि सुनिचे न, जो भाव है ये भाव रहेगा तो हम साधु गुरु और शास्त्र को अपना पाएंगे, तो हम सही दिशा में जा पाएंगे। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं होता, भगवान को हमारा 56 भोग नहीं चाहिए। ये 56 भोग ऑफर करने से हम अपना प्रेम भगवान को देना चाहते हैं, अलग अलग भाव से भगवान को कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं, कुछ नमकीन खिलाना चाहता है, कुछ आचार खिलाना चाहते हैं, कुछ सामान्य चीज खिलाना चाहते हैं, कुछ फल फ्रूट का रस देना चाहते हैं। तो ये सभी के अंदर भाव रस है, लेकिन हमारा जो हर तरह से हम भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, ये है 56 भोग। तो भगवान को इसका प्रयोजन नहीं है, भगवान को आत्माराम है, भगवान के अंदर सभी रस, रस का नियंता है, सभी रस उनसे उत्पन्न हुआ है, उनको हमारा रस से क्या लेना देना। लेकिन जब हम ऑफर करते हैं भगवान को तो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे ऑफरिंग कहीं किए गए भोजन से, थाली से भगवान भूखा नहीं बैठा, लेकिन भगवान हमारा कल्याण करने के लिए हमारा मित्र है, सुहृदं सर्वभूतानां मित्र है, इसीलिए भगवान हमारा दिया गया भोग स्वीकारते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं, वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते और व्यवस्थित करते हैं। हमारे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवा तुम्हें, जगन्नाथ जी अपनी आंखों की दृष्टि से हमारा 56 भोग ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा है कि एक श्लोक है कि भगवान की कोई भी इंद्रियों से कोई भी इंद्रिय का काम हो सकता है। मैं श्लोक मेरे मुंह से याद नहीं आ रहा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति, वो हरेक इंद्रियों से हरेक इंद्रियों का काम कर सकते हैं, भगवान आंखों से खा सकते हैं, तो उनको स्त्री पुरुष का संबंध की क्या जरूरत है। जब आंखों से भगवान रासलीला में जीव और प्रकृति और पुरुष का मिलन है, हम चैंटिंग करते हैं तो प्रकृति और पुरुष का मिलन है, हमारा चैंटिंग शुद्ध नहीं है इसलिए मन भटकता है, हमारा चैंटिंग शुद्ध नहीं है इसलिए मन भटकता है, नहीं तो ये रासलीला है। हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान की क्या बोलते हैं कि एक जीव की भगवान के साथ रिश्ते की लीला है, ये निकुंज लीला है। और जब हम कीर्तन करते हैं तो ये रास लीला है, इसका इसके अंदर समझना है कि भगवान और जीव के बीच में क्या संबंध है। भगवान और जीव के बीच में हम स्थूल संबंध की बात करते हैं, भगवान को हमारी स्थूलता से, ये भौतिक जगत से, हमारा शरीर से हमें क्या किया, इससे मतलब नहीं है। मन मना भव मद भक्तो,
तू मन में मेरा चिंतन करता है या मेरे डर से चिंतन करता है, मेरे मुझे प्रेम करने के लिए चिंतन करता है, मुझे ऑफर करने के लिए कर्म कर्म बंधन उत्पन्न करने के लिए चिंतन करता है, ज्ञान का चिंतन करता है, ज्ञान के रास्ते से मुझे बचता है, कर्म के रास्ते से मुझे बचता है, ध्यान के रास्ते से बचता है, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का डर के वजह से मुझे बचता है या मुझे प्रेम करने के लिए मुझे बचता है। ये हमारे मन में, सुषुप्त मन में हमारा सभी सॉफ्टवेयर यहां बैठा रहता है, वो हमारी इच्छा शक्ति पर आधारित होता है। अगर हम इच्छा शक्ति गलत है तो मन गलत वहां स्टोर हो जाए मन के अंदर, और मन की डब्बी की मास्टर चाबी भगवान के पास है। इसीलिए कहते हैं कि आचार्यगण बताते हैं कि हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे गोलोक वृंदावन की चाबी उसके पास रहती है, भगवान उसके पास हमारी गोलोक वृंदावन की चाबी। जब जब तक हम उसके पास समर्पित नहीं हो जाएंगे, उनको प्रेम नहीं करेंगे, उनसे माफी नहीं मांगेंगे, अपराध शून्य नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान के धाम के दरवाजे बंद रहेंगे। तो हमारी इच्छा शक्ति की बहुत सेंसिटिवनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, और साथ साथ हमारी चैंटिंग में एकाग्रता, हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता लाने के लिए, जब भूल जाते हैं कोई बात नहीं, जैसे ही याद आता है तुरंत गौरा गौरा ले आए, तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र ले आए, तुरंत भगवान के दशम स्कंद की लीला ले आए, तुरंत भगवान की कालिया नाग की लीला ले आए, तुरंत भगवान की अगासुर बकासुर की लीला ले आए मन में, और चैंटिंग करें, भगवान से जुड़े रहे सुषुप्त मन के द्वारा। जब मन के द्वारा भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे चैंटिंग शुद्ध स्तर पर पहुंचने के लिए समय नहीं लेगा। अगर हम भगवान के अलावा और कोई सोचेंगे, पदार्थों के बारे में सोचेंगे, पदार्थों की चिंता करेंगे, तो हमारा चैंटिंग हमें वापस पदार्थ दे देगा, क्योंकि चैंटिंग जो है चिंतामणि है, जो मांगोगे वो मिलेगा। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति क्या है? डेड बॉडी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इसके अंदर आत्मा जो चेतना है ये भगवान का अंश है। भगवान के बिना ये कार्यान्वित नहीं हो सकती। भगवान की शक्ति के बिना, परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। भगवान का जो षड ऐश्वर्य है उसके अंदर एक ऐश्वर्य क्या है? भगवान निष्प्रुव है। भगवान के अंदर कोई भी आसक्ति नहीं है। भगवान सभी कार्यों से पृथक रहते हैं। इसलिए हमें मैया अध्यक्षण प्रकृति के अंदर से हमें बहुत कुछ सीखना है कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, तो हमें प्रकृति के विषयों को ढूंढने में और प्रकृति के विषयों को एनालिसिस करने में हमें समय नहीं बिताना चाहिए। उससे तो हमारे अंदर आदिदेविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, या तो प्रकृति के तीन गुण के द्वारा हमारे अंदर मैल उत्पन्न हो जाएगा। मैल क्या है? हम किसी के प्रति द्वेष कर बैठेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य उत्पन्न हो जाएगा। हम प्रकृति को एनालिसिस करने बैठे हैं तो प्रकृति ने दो जो भेजा है उसको प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। अगर वो दुख पूर्ण है तो भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, वो सुख पूर्ण है तो भगवान हमें याद रख कर रहे हैं, और भगवान का नाम हमें लेना है इसके लिए हमें भगवान मौका दे रहे हैं। तो इससे हमें समझना है कि हमें मैया अध्यक्षण प्रकृति है, इसका मतलब है कि हमें इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ कार्य हो रहा है, इसीलिए हमें वर्तमान परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये बहुत विचलित क्यों होता है कि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार आता है, और मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें सतत भगवान के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें विचलित न होने दे।
हमें सही दिशा मिले। ये क्लास है, हम गीता पढ़ते हैं, ये गीता हमें दिशा देती है, लेकिन करना हमें स्वयं को पड़ता है। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप सबका इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो गुरु महाराज को मैं समर्पित करता हूँ। इस होली ने जय पताका स्वामी गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ। अगर कोई भी त्रुटि या क्षति या गलती है तो कृपया मुझे क्षमा करें। वंशाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।